ये 2000 रुपए की तिजोरी है, हाँ। इसके लिए मुझे पुलिस की भी जरूरत पड़ सकती है, कोई मुझे लूट के ले जा सकता है। अच्छा, क्योंकि इस तिजोरी में जो ये जो टमाटर है 160 रुपए किलो है। एक और व्यक्ति लगातार दिखा रहे कि कितने क्रिएटिव तरीके से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, कोई माला पहन के उतरा है, कोई मुखौटा पहन के, तो कोई वॉचमैन को साथ में लेकर। एक और इंसान हमारे साथ मौजूद है जो तिजोरी को हाथ में लेकर चल रहे हैं, क्या रखा है सर इसके अंदर? ये तिजोरी कोई आम तिजोरी नहीं है, ये 2000 रुपए की तिजोरी है, हाँ। इसके लिए मुझे पुलिस की भी जरूरत पड़ सकती है, कोई मुझे लूट के ले जा सकता है। अच्छा, क्योंकि इस तिजोरी में जो ये जो टमाटर है 160 रुपए किलो है, ये जो प्याज है ये नींबू जो है ये 400 रुपए हो गया है, हाँ। और ये जो भिंडी है ये 80 रुपए है, और ये जो धनिया जो कभी फ्री में मिला करता था ये 200 रुपए पहुंच चुका है। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत पड़ गई है? हाँ जी, तिजोरी में रखने की जरूरत पड़ गई है इसको, क्योंकि इसको कोई भी ले जा सकता है, हाँ। क्योंकि आजकल अब मैं देख रहा हूँ रेडियो में से लोग एक एक टमाटर लेके जा रहे हैं, हाँ। तो टमाटर तो बेसिक नीड है, हर सब्जी में डलता है टमाटर। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो बीजेपी वाले धर्म की जो राजनीति करते हैं, कोई हिंदू के लिए तो सब्जी महंगी नहीं है, हाँ। मुसलमान के लिए तो सब्जी महंगी, सबके लिए बराबर है, कोई हिंदू के लिए सस्ती है, हाँ। मुझे पता है RSS को कहीं 20 रुपए का टमाटर मिल रहा हो कहीं पूरे देश में, क्या मुसलमान को पूरे कहीं 2500 रुपए का टमाटर मिल रहा हो? नहीं है ना, सबके लिए बराबर महंगाई है। मैं बीजेपी से मांग करूंगा कि वो महंगाई को कम करे, हाँ। और ये जो अपनी दूसरीकरण की राजनीति है हिंदू मुसलमान की, इसको खत्म करे, और जो एक स्मृति ईरानी जो इनकी मंत्री है, हाँ। वो कभी सिलेंडर महंगा होता था वो सिलेंडर पर चढ़ के बैठ जाया करती थी, वो बोलती थी महंगाई है महंगाई है, प्रधानमंत्री को चूड़े तक बेच दिया करती थी। मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा, तब आप नरेंद्र मोदी जी को कम चूड़ियां भेज रहे हैं, आज इतनी महंगाई हो गई है, नरेंद्र मोदी जी को कम चूड़ियां भेज रहे हैं? हाँ, कब चूड़ियां भेज रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, सिलेंडर 1100 के पार हो चुका है, जो कांग्रेस के टाइम पे 415 रुपए था, हाँ। लेकिन बोलते हैं ना कांग्रेस ने तो 70 साल लूटा है देश को, कौन कहता है ये सारा जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है, हाँ। लूटा तो वो है, उन्होंने क्या डेवलपमेंट की उनका मोदी का जो अभी जो उनके जो 9 साल हुए हैं, हाँ। उनका काम जीरो है, 9 साल बेमिसाल कना रहा है सर, हाँ, 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल ननक कर दिया हिंदुस्तान। अच्छा। ये क्योंकि ये जो सस्ती थी हुआ करती थी, हाँ। वो आज इतनी महंगी कर दी है, हाँ। और धर्म के नाम पे हमेशा दुष्टीकरण, मणिपुर में दंगा हो रहा है, मां नाम से डर रहे, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार तोड़ वोड़ करके बना रहे है, इसमें प्रधानमंत्री पूरे पार्टी इतनी बढ़िया है कि सारे विधायक उनके पास जा रहे, तो उनकी क्या गलती? कोई पार्टी बढ़िया नहीं है, सारे करप्टेड लोग, जिसको अजीत पवार करप्ट बोलते थे, हम कभी भी इनके साथ नहीं करेंगे, हाँ। कभी आपने सुना होगा अजीत पवार जी ने जो इनके देवेंद्र फडणवीस वो CM थे, हाँ। उनको एक दिन का CM बना दिया, एक दिन का मैंने 4 घंटे का बना दिया था, हाँ। और फिर हमने बोला कि हम NCP के साथ गठबंधन करेंगे ही नहीं, आज उन्हीं एक ही टेबल पे है, ये कैसे हो गया? और मैं पूछना चाहूँगा, 2014 में अडानी जी 169 नंबर पे थे, वो आज 2 नंबर पे कैसे हो गए? विकास तो उनके लोगों को। आप ये तिजोरी आपने ले तो ली है, हाथ में लेकर चल रहे हैं, तो ये भी तो आप बोल रहे हैं कि चोरी हो सकती है, कि टमाटर चुराया जा रहा है ठेले से। अभी हमें सिक्योरिटी गार्ड लेकर चले थे, हाँ। तो अभी सिक्योरिटी गार्ड अभी अंदर चले गया, हम खुद लेके जा रहे हैं अंदर, जो हमारा तो प्रोटेस्ट था इस महंगाई के ऊपर था, और हम जो बेसिक नीड्स जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, हम उस पर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई हिंदू मुसलमान ये सब राजनीति पाकिस्तान की बात, मैं मीडिया के आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, DD News जो है और जो प्राइवेट मीडिया आज तक हो, G News हो, मैं बात नाम नहीं लेना चाहूँगा उन सबके, क्योंकि मेरी जुबान गंदी हो जाएगी, वो पाकिस्तान की ऐसी बातें कर रहे हैं सर, जुबान गंदी हो जाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की महंगाई दिखा रहे हैं। हमने क्या पाकिस्तान में इमरान खान को वोट दिया या शहबाज शरीफ को वोट दिया? हमने वोट किसको दिया? हमने वोट नरेंद्र मोदी को दिया था, और आज आप उनकी महंगाई दिखा रहे हो, आप भारत की महंगाई नहीं दिखा रहे, क्या ये पाकिस्तान में रह रहे हैं हम? एक रिपोर्ट आई थी सर सामने जिसमें बोल रहे कि टमाटर जहरीला हुआ करता था एक समय पर, तो क्या अभी खाना छोड़ना पड़ेगा क्या? कब टमाटर जहरीला हुआ? टमाटर तो अब जहरीला हो रहा है, 160 रुपए पहुंच गया है। अच्छा, बेसिक कमोडिटी है, हर सब्जी में डलती है, हाँ। चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, सब में डलता है टमाटर, हाँ। तो मैं आपके न्यूज से मांग करना चाहूंगा कि महंगाई को कम किया जाए भाजपा सरकार से, और स्मृति ईरानी जो बेबुनियाद भाषण देती है कि प्याज महंगी होगी, मैं प्याज नहीं खाती, ये भाषणबाजी के कम करे, आप सब कुछ खाती हो, और सीतारमण जी, हाँ जी, आप सब कुछ खाती हो, आप कृपया ऐसे भाषण ना देके पब्लिक को गुमराह करो, हाँ। और जो बेसिक मुद्दे है, महंगाई जो मुद्दा बन गया है आज, उसको खत्म करो महंगाई को, और आम जनता को राहत दो महंगाई से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज अलग तरीके निकाले, अलग ढंग निकाला है महंगाई
के खिलाफ आवाज उठाने का, और बार बार बीजेपी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं कि महंगाई इतनी हो गई है। आम जनता की तरफ देखिए आप, जो आगे चीजें हो रही हैं उनको पीछे रखा जाए और आम जनता के मुद्दों को आगे रखा जाए। जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।